आप लोग कैसे हैं? अल्लाह आप लोग को खुश रखे, आपके खानों में बरकत दे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ बर्गर, क्योंकि मैं आज डिनर में बर्गर बना रही थी, आप लोग के साथ शेयर करना चाह रही थी, इसलिए मैं आज आपको बर्गर बनाना बता रही हूँ। ये 100% प्योर है, हलाल है ये। मैं पैन गरम करने के लिए रख चुकी हूँ। इसमें ऑयल डाल दी मैं पैटिस फ्राई करने के लिए। अब हम इस तरह से उसको फ्राई कर देंगे। पैटीज अच्छे तरीके से ब्राउन कलर हुए तक हम इसको फ्राई करेंगे। अब हमारे पैटीज वन साइड से ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसको टर्न कर देंगे। मैं फ्लेम बंद कर चुकी हूँ, अब हम पैटीज निकाल देंगे। मैं इस तरह से बटर पेपर पर निकाल रही हूँ। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से हमारे पैटीज रेड ब्राउन हो चुके हैं। बर्गर रेडी कर लेंगे हमारे। इस तरह से हम कट लगाएंगे उसको, टू पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेंगे उसको। आप ये चीज है, ये मेयोनीज है, योर चॉइस। आप जो चीज़ लगा के खाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। मैं हाफ जो है मेयोनीज, हाफ जो चीज़ इस्तेमाल करूँगी। इस तरह से हम बर्गर के बन को इस तरह से हम जो है चीज़ लगाएंगे। अब मैं इसमें लेटस लगा रही हूँ इस तरह से, एक टमाटो स्लाइस, कुकुम्बर, ये वन पैटीज हमारा। इसके ऊपर हम टमाटो केचप, हाफ इस पे भी हम चीज लगाएंगे। इस तरह से लगा के हम इसको इस तरह से कवर कर देंगे। अब हमारा बर्गर रेडी हो चुका है। अब मैं इसी तरह से दूसरा बर्गर भी रेडी करूंगी। मैं अब एक एक आपको बनाना बता रही हूँ, वन सेकेंड रिपीट। इस तरह से हम चीज लगा देंगे। इस तरह से कुकुम्बर, अब इस तरह से तरह से केचप लगा देंगे हम इस साइड भी। मैं चीज लगा रही हूँ। अब कवर कर देंगे हम इस तरह से। आप देख सकते हैं 6 बर्गर रेडी हुए। मैं डिश आउट करके आप लोग को बताऊंगी। अब मैं फ्रेंच फ्राई कर रही हूँ। ज़्यादा केयरफुल करिए, क्योंकि इसमें हम फ्रीजर में रखते हैं ना, ये ज़्यादा ठंडा होने से, गरम तेल में डालने से हाथ पे उस पर तेल के छींटे उछलने का डर रहता है, इसीलिए आराम से डालिए आप इसमें। हम फ्रेंच फ्राई इसमें ठंडे डालने से हम ऑयल जो है सो लो टेम्परेचर पे हो गया। अब फ्राई करने तक थोड़ा टाइम लगेगा इसको। हम अच्छी तरीके से कुक हुए बाद से हम फिर इसमें से ऑयल में से निकालेंगे।
अब हमारे फ्रेंच फ्राई रेडी हो चुके हैं। अब मैं तेल में से रिमूव कर दूंगी उसको। अच्छी तरीके से हम तेल निकालेंगे इसमें। इस तरह से मैं जिससे उसमें डाल रही हूँ, तेल अच्छी तरीके से हमारा रिमूव हो गए हो जाएगा। यह हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको कट कर रही हूँ मैं। अब आप देख सकते हैं किस तरह से हमारा बर्गर रेडी हुआ। और ज़रूर आप ट्राई करिए और कमेंट्स में लिख के डालिए आपको किस तरह से लगे मेरे बर्गर। हाँ, मेरे वीडियो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियोस को लाइक करिए और जो सो इस तरह से मेरा साथ दीजिए आप लोग। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और दुआओं में याद रखिए।